दोस्तों नमस्कार, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील में मैं आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और आज का मेरा विषय एक ऐसा और रोमांचक और रहस्य का विषय है जिसे आप सुनकर हंस पड़ेंगे। दोस्तों हमारा देश नदियों का देश है, हम जल की पूजा करते हैं, हमने नदियों को बहुत पवित्र माना है और नदियों की के किनारे मेले लगते हैं, नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति मानती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक नदी हमारे देश में ऐसी भी है जिसमें लोग स्नान करना तो दूर उसका पानी तक छूने से डरते हैं। हाँ दोस्तों, इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। यह कर्मनाशा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमांत तक जिलों में बहती है और यह बाद में सोनभद्र और के पास बहती है और ये बाद में बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों इस नदी के बारे में एक पौराणिक कथा ये है कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो ऐसा शरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, इसके लिए वे गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने इस कार्य को करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप वे विश्वामित्र जी के पास गए तो विश्वामित्र जी ने अपने तप से उनको सशरीर वापस स्वर्ग में भेज दिया। ये बात जब इंद्र ने देखी तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको वापस धरती पर भेजना शुरू कर दिया और उल्टे मुंह वापस आने लगे। जब विश्वामित्र ने देखा कि राजा वापस सत्यव्रत राजा जो नीचे वापस आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि अपने तप से उनको रोक दिया। अब उनके मुंह से जो लार थी वो लार नीचे गिरने लगी और कहते हैं कि उस लार से ही वो नदी बह पड़ी। लोग भूखों रह जाते हैं, बिना पानी के रह जाते हैं, फल खाकर जीवन जी लेते हैं लेकिन कर्मनाशा नदी के जल को हाथ तक नहीं लगाते। इसलिए कि कर्म नाशा, कर्म धन नाश, मतलब कर्म उनके व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का नाश हो जाता है, जो पुण्य तो मिलना दूर और उसके कर्म बुरे शुरू हो जाता है। इसलिए लोग कर्मनाशा नदी का जल ना तो पीते हैं और ना ही उसमें उसको स्पर्श करते हैं। ये एक ऐसी पौराणिक मान्यता है जो आज भी चली आ रही है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि ये अंधविश्वास है। जल तो हमेशा जीवन, जल ही जीवन है और जल के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन एक ऐसी पौराणिक मान्यता है जिसको मैंने आज पढ़ा तो आपको अपडेट किया। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।